हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग कौन से रिजॉर्ट में हैं। सो फिलहाल हम आए हैं आनंदी रिजॉर्ट। वी हैव बीन टू दिस प्लेस 2 मंथ्स बैक ऑल्सो, बट और आज हम वापस से आ चुके हैं सेम लोकेशन पे। लोकेशन इज सेम बट द ओकेजन इज डिफरेंट। शी इज़ नित्या एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर कितवा बर्थडे, 17 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है एंड दैट इज़ अ रीज़न वी आर इन दिस रिजॉर्ट। और इसके पीछे और भी 2-3 रीज़न थे इस रिज़ॉर्ट में आने के लिए। एक तो ये था कि ये रिज़ॉर्ट काफ़ी, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था, सो आई डिडंट वांटेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट विथ न्यू लोकेशन, सो दैट इज़ द रीज़न हमने ये रिज़ॉर्ट सिलेक्ट किया है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, सो वीडियो में बने रहिए एंड तक। सो ये रिज़ॉर्ट का एंट्रेंस है और राइट साइड में रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर आप अपनी बुकिंग कन्फर्म कर सकते हो। और इसकी सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस रिज़ॉर्ट की एक खासियत है कि इसमें बहुत ग्रीनरी मेंटेन करके रखी है इन्होंने। यू कैन सी चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ है एंड ये जो सामने जो है वो डाइनिंग एरिया है एंड देर आर 2 स्विमिंग पूल्स, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी बना है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और सामने रूम्स है और नीचे छोटा सा पॉन्ड है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें काफ़ी सारी फिश है, वेरी नाइस। और पॉन्ड के बाजू से ये वे जाता है और उस तरफ सारी एक्टिविटीज़ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बट उसके पहले राइट साइड में यू कैन सी दिस हैमॉक्स, सो यू कैन टेक रेस्ट हियर अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। तो काफ़ी छाव है। एंड आप थोड़ा सा आगे आते हो ना तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा लाउंज मिलेगा वेरी, आप यहाँ पे खेल सकते हो, प्ले एरिया है। दिस इज द प्ले एरिया फॉर किड्स। और यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हो। सो अभी हम करने जा रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटी। सो हमारे टोटल ग्रुप में वी आर 15 इंक्लूडिंग 2 किड्स।
जाएगी आराम से। लॉन में हूँ और यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया है प्लस एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी है लाइक पेंट बॉल गेम, राइफल शूटिंग एंड मेनी मोर। और एट द सेम टाइम मेरे पीछे आप ये देख सकते हो ये सब टेंट हाउस है यहाँ के। सो यहाँ पे दो टाइप के रूम्स है, एक टेंट हाउस और एक नॉर्मल रूम है। टेंट हाउस की स्पेशलिटी ये है कि आपको टेंट हाउस में से लॉन व्यू मिलता है और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो माउंटेन व्यू भी मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
सो इट्स टाइम फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ नित्या. अभी नित्या का बर्थडे का केक कट होने जा रहा है. ए थांबा जवळ या बाबा तुम्ही त्याच्यावरती रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, फिर एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे राइफल शूटिंग्स है, आर्चरीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है विच ऑल्सो इंक्लूड्स जिप लाइनिंग. प्लस यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ भी है जहाँ पे आप कैरम, चेस, बैडमिंटन और स्नूकर खेल सकते हो. सो ओवरऑल ये काफ़ी परफेक्ट रिजॉर्ट है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपके साथ बच्चे तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे. प्लस ये जो रिजॉर्ट है वो नेरेल स्टेशन से जस्ट 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे. और अगर बात करें यहाँ के चार्जेस की, सो इट इज़ 1200 रुपीज़ पर पर्सन विच इंक्लूड्स योर मील एंड ऑल दी एक्टिविटीज़. सो ऑन दिस नोट आई होप सो यू इन्जॉयड आर वीडियो. और ऐसे हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.